हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज बीएसए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस एक्चुअली ना अभी हम रेडी वगैरह हुए थे, मतलब मैं ना इंस्टीट्यूट से अभी आया था जस्ट, तो ना मैंने टर्बन दूसरी बांधी हुई थी, ठीक है। और अभी है नगर कीर्तन, मेरे फ्रेंड्स वगैरह का भी कॉल आ रहे थे और हमारे घर पर चली गई थी बिल्कुल लाइट, तो मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं, वो भी मैंने अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर चार्जिंग वगैरह करवाई। अब बस जस्ट नगर कीर्तन वगैरह आ रहा है, हम तैयार शार हो गए हैं, ठीक है। और बाकी भाई जो होता है आपको दिखाते हैं, नींद भी नहीं पूरी हुई। सो गाइस ये देखो, ये सारा नगर कीर्तन निकल रहा है, ठीक है, सारा नगर कीर्तन निकल रहा है। बाकी ना छोटा नगर कीर्तन है ये, बाकी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो गाइस नगर कीर्तन हो गया समाप्त, आपका भाई नगर कीर्तन से जस्ट अभी आया था और मैंने टर्बन उतार दी हो कि आपके भाई का और था हेडेक, एंड मैंने अभी तक यही कुर्ता था, मैंने जैकेट पहना है, ठीक है। अभी बम पट रहा, मतलब गुरुद्वारे जाके बस नगर कीर्तन की समाप्ति वाले हो दिया। एंड भाई ये ना पीछे ना कीर्तन हो रहा है, मैंने आपको बताया नहीं था कि आज हमने इसलिए शब्द कीर्तन की पार्टी में भी जाना है। देखते हैं अभी, फिर रेडी होना पड़ेगा, शायद जाए या ना जाए, या ऊपर से मतलब वो देखा, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। भाई सच्चा नौ के ऊपर अड्डे, और भाई मेरे को ना सुबह एक दो काम थे इस करके ना तो मैं चला गया था। एंड भाई आपके भाई ने कल जाना है गफार करोलबाग उठ के, एंड कल ना संडे में रोली भी जाना है। आज आपका भाई क्या कहते रात को गुरुद्वारा तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो मेरे को कल गफार जाना है क्योंकि मेरे को गोप्रो लेना है, क्योंकि आपके भाई की बाइक भी आने वाली है, मैंने आपको बताया था कमिंग सून है, तो उसके हेलमेट भी लगाएंगे ना मुझसे सीधा मेरे इस चैनल के अंदर ना, मतलब एकदम अच्छी फैंटास्टिक एडिटिंग वगैरह करूँगा, ठीक है। और भाई रही बात, अब मेरे इस चैनल के अंदर आपको मोटर ब्लॉगिंग दिखेगी, ट्रैवल ब्लॉगिंग दिखेगी, फूड तो आपका भाई चलो डालते डालते प्लस एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हम बहुत जल्दी मारने वाले हैं। भाई जो भी होता है बाकी मैं आपको सारा बताऊँगा कल के कल की उसमें, क्योंकि ये ब्लॉग तो थोड़ा लंबा ही जाएगा, बिकॉज जो कल भी मैं वीडियो वगैरह बनाऊँगा ना तो वो सारे इसमें पब्लिश आउट करके ऐड ऑन कर दूँगा। बाकी अब जरा यार मम्मी की ना थोड़ी तबीयत खराब है एक्चुअली, आपको भी आपको पता है डॉग्स को फेड आउट करने जाता है, उनको ना खाना वगैरह डालने जाना है, दिन इधर आके भी आना है। बाकी कोई नहीं, मैं आपको जरा दिखाते हूँ ये सर फट रहा है। वो गाइस आप देख सकते हो नीचे सारा, मतलब ये लंगर की प्रिपरेशन आउट वगैरह हो रही है, ठीक है। एंड ये सामने भी वो हो रहा है, और भाई ये देखो आज ये सारा ब्यूटीफुल हमारे ब्लॉक के यहाँ पे हुआ सारा। एंड सामने भाई आप देख सकते हो, जस्ट मिनट में जूम करता हूँ, ये देखो आप देख रहे हो सामने ना वो हो रहा कीर्तन, ठीक है। तो गाइस रही बात, अब जरा हम नीचे जरा चलते हैं, ठीक है। और भाई बाकी जरा करके लाइट ऑन कर दूँ, ये वाली लाइट बंद कर दूँ, क्योंकि कल अब आपके भाई का बहुत काम है भाई, तीन चार दिन ना सच्ची में। तो भाई अब पढ़ाई पे भी ध्यान देना इस करके भी, और भाई अपना जिम भी रेगुलर जाए, बस अब चलते हैं नीचे। चलो ये लाइट ऑन करनी थी मेरे को। सो ये गाइस अभी हो रही है जस्ट क्या कहते हैं दोपहर के बज रहे हैं, मैंने वॉच नहीं पहनी, दोपहर के बज रहे हैं 3:15 या 3:30 आई थिंक। और भाई आपका भाई जस्ट अभी रेडी वगैरह होकर नीचे उतरा है, बिकॉज क्योंकि मैं लेट उठा था, कल संडे था, नगर कीर्तन वगैरह था, और मैं रात को वो ना आपको जो था नेटफ्लिक्स पे एनिमल रिलीज हुई है तो आपका भाई वो देख रहा था, ठीक है। एंड अपना क्या कहते हैं, फिर मैं सुबह 4 या 5 बजे सोया, 5 बजे सोया, और फिर मैं 5 चला गया जॉइन करने, फिर आते हुए फिर सो गया आपका भाई, आप मेरी आप देख के उत्तर देख ही सकते हो, ठीक है। और भाई अपना कल मेरे को जाना है इंस्टीट्यूट, क्योंकि आज था संडे और मेरे को जाना था करोलबाग में, बट मैं करोलबाग गया नहीं क्योंकि मेरे को बाइक की एक्सेसरीज की ना लिस्ट बनवानी थी कुछ, तो मैं कंपनी से ले रहा हूँ। एंड मेरे को गोप्रो वगैरह भी लेना था, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरे इस चैनल पे मोटो ब्लॉगिंग वगैरह सब आएंगे। तो देखते हैं, पहले कुछ खाया भी नहीं है, मम्मी जस्ट आई थी क्योंकि मम्मी की गई थी, एंड कल सामने मेरी आंटी का कीर्तन था तो हम वहाँ से भी लेट आए थे। तो भाई कोई नहीं, अब जरा ना मेरे को ना नीचे उतर के ना पहले तो स्कूटी साफ करवानी है, ठीक है, देन पहले कॉफ़ी पीऊँगा, फिर जाऊँगा स्कूटी साफ करवाना, स्कूटी हुई बड़ी गंदी क्योंकि इंस्टीट्यूट का इसी को लेकर जाना है। एंड मेरे को फिर कार भी वॉश करवानी है, कार देखूँगा कल कराऊँगा वॉश। एंड भाई रही बात घर का भी काम करना, फिर देख लोगे ना सारी ये, तो कल या परसों पेंटर भी आएगा, फिर मैं एक दो दिन की और इंस्टीट्यूट से छुट्टी वगैरह लूँगा। बाकी अब कोई नहीं, स्कूटी इतनी गंदी हुई है भाई क्या ही बोले। तो भाई ये ब्लॉग हो रहा है, मतलब हाँ इसी के अंदर मैं पब्लिश आउट करूँगा, वीडियो के अंदर ऐड ऑन करूँगा सारा। बाकी ये 3:30 बजे वीडियो आपका भाई शूट आउट कर रहा है। मेरे को ये सारा ना वहाँ पे करवाना है, क्योंकि बाइक मैंने यहाँ बांधनी है, प्लस बाइक की संगली लेके आनी है और उसके लिए ताला लाना है, और स्कूटी आप देख ही सकते हो कितनी वो है। पहले जरा ना मैं सब उधर कर दूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइस आपका भाई आया था मैक्सिमस, ठीक है, कॉफ़ी ले ली और अब सीधा हमने मोमोज वगैरह भी खा लिए और जीके में आए थे, और अब सीधा जरा घर चलते हैं, एक दो काम है निपटाते हैं यार।
गाइस अब ना आपका भाई जरा जा रहा है स्कूटी वॉश करवाने, और भाई आज आप मानोगे नहीं, सीरियसली बहुत ठंड है भाई कसम से। जस्ट अ मिनट। हाँ तो गाइस मैं कह रहा हूँ आज भाई बहुत ठंड है, बस आपका भाई अब जरा स्कूटी वॉश आउट करवाने जा रहा है पेट्रोल पंप पे। मैंने कहा भाई ये काम भी करवा दो, क्योंकि यार कल फिर हमने इंसिडेंट वगैरह जाना है इस करके, और अभी करके एक दो काम है हो रहा है हमें इस करके, तो बस जरा पेट्रोल पंप पहुँच के आपको करते हैं सारा। सो भाई थे ना हम भैया के वॉशिंग सेंटर में आ चुके, एक्चुअली ना भी भैया कह रहे थोड़ा टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया आप रोक देना, और स्कूटी हमारी जनवरी बड़ी गंदी हुई थी तो बाकी वॉश वगैरह करवाते हैं। सो गाइस ये ना मैंने 6x पे कैमरा फ्रेम आउट किया हुआ है, आप देखो गाड़ी मतलब भैया ने कितनी साफ़ वगैरह कर दी है, बाकी अभी बस थोड़ी पॉलिश वगैरह मारेंगे यहाँ पे, और आपका भाई यहाँ पे स्कूल पे बैठा हो आराम से, और बस अब सीधा चलेंगे घर, घर जाके देखेंगे अगर कार भी आ गई, कार की भी वॉशिंग करवा लेंगे, क्योंकि कल हमें टाइम तो है नहीं, कल से आपका भाई बिजी है, और 2-3 और काम है पेंटिंग वगैरह वो भी निपटाएंगे घर जाके। और भाई बाकी आप मानोगे नहीं यार ठंड इतनी है ना यार कसम से। सो गाइस आप देख ही रहे होगे यार आपके भाई का मूड भी ख़राब है, बिकॉज क्यों ये देखो, और अभी मैं आपको बाहर से निकल के दिखाऊंगा यार। एक्चुअली भाई हुआ क्या, आपका भाई रात को गुरुद्वारे गया था शीशगंज साहब, ठीक है, वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की, और बस जस्ट अपना क्या कहते हैं गाड़ी खड़ी करके ना मैं अंदर चला गया लंगर वगैरह खाने, क्योंकि मैं लेट आता हूँ भाई। बाहर ना स्मैकीज वगैरह जो नहीं होते नशेड़ी बंगे टाइप के जो होते हैं भाई, वो आपस में लड़े वगैरह सब कुछ, एक एक गाड़ी खड़ी थी और एक गाड़ी ब्रीजा थी भाई, ईटे उठा उठा के हमारी एक दूसरे को डंडे मारे सब कुछ उनका क्या, जितने भी भाई मैं भाग के आया मैंने एकदम आके पुलिस वगैरह के कॉल वगैरह की भाई, वो सारे बंदे भाग गए, और आपके भाई का शीशा तोड़ दिया, और ये जो पिलर नहीं होता जो शीशे के ऊपर अटैच होता है पूरा पीछे तक जाता है एंड की तक भाई, वो भी डैमेज कर दिया भाई। इतना लिटरली मूड खराब है ना भाई क्या बोलूं। सुबह में रात को मैंने पापा को आके बताया, पापा भी थोड़े भाई अपसेट आउट हो गए भाई, क्योंकि यार नई गाड़ी अभी सिर्फ 11 मंथ्स ही हुए यार, और इतना सब कुछ एकदम सडनली हैपन हो गया, क्या बोले यार भाई। पूछो भाई तुम लड़ रहे हो यार, देखो वो तो बेचारों ने नशा किया होता है, ठीक है वो जो ना यार चलो ये तो सही हो जाएगा कोई नहीं, अगर वहाँ भाई सोचो बंदे ही होते किसी के हेड पे लग जाती कुछ हो जाता फिर उस चीज़ का भी फायदा क्या था। अब चलो यार खैर कोई नहीं भाई, अब जरा आपका भाई जरा जा रहा है कंपनी वो मतलब विंडशील्ड के बाद जा रहा हूँ, मैंने इंस्टीट्यूट भी जाना 3 बजे, अभी तो 11 बजे हैं 11:30 सॉरी, तो बस अपना जरा मैंने फोटोज वगैरह भेजी थी घर, अभी आप एक बार आके दिखा दो, अब जरा देखेंगे भाई कंपनी से चेंज होगा क्या होगा। लिटरली यार मेरा मूड बहुत खराब हो गया भाई कसम से यार। नहीं भाई अब तो मैंने सोच लिया इसका पूरा पहले काम कराऊंगा भाई, फिर ही गाड़ी लेकर मैं इधर उधर निकला करूँगा। यार आगे से भी लग सकती है पीछे से भी लग सकती है भाई, बंदा क्या बोले किसी को, बाकी चलो कोई नहीं भाई मैं आपको बताता हूँ भाई जो भी होता है। ये आप टेंट देख रहे हो, ये वाला जो टेंट है यहाँ से पता नहीं डंपर पता नहीं पत्थर लगा और पूरा विंडशील्ड इसने मेरा क्रैक आउट कर दिया यार। और अब हम जरा आए हुए हैं यहाँ पे, मैंने क्लेम वगैरह पे इंश्योरेंस वगैरह पे पेपर वगैरह दिए हैं, ठीक है अब भाई जो होता है देखते हैं यार। बाकी यार भाई सचमुच बहुत मूड खराब है आपके भाई का, ये देखो स्क्रैचेस वगैरह, अब इसका काम ही कराऊंगा मैं। वो गाइस ये ना मेरी गाड़ी का वीडियो इंस्पेक्शन हो रहा, ठीक है हमने क्लेम पे तो दे दी थी, तो मेरे पास मैसेज वगैरह सब कुछ आ गया, भाई जरा वीडियो इंस्पेक्शन कर रहा। सो गाइस हमने ना शीशा सारा उतरवा दिया, ठीक है, एंड आपके भाई का क्लेम वगैरह भी पास आउट हो गया, एंड बस भाई जरा अब हम जा रहे हैं इसका ना पिलर वगैरह जो ये है ना पिलर यहाँ से जो वो था, अब इसको हम वो सही करवाने जा रहे हैं, तो इस करके अब सीधा चलते हैं यार घर के, आवाज़ आना था जरा मैकेनिक भी हमने बुलाया था, अब आ जा रहे हैं हम जरा। सो गाइस ये मैं अपना कर्नाटक का फिर डोसा खाने भाई के साथ, तो अब बस डोसा वगैरह खाते हैं देन आपसे मिलते हैं देन। सो गाइज आपके भाई ने ना नया शीशा लगवा लिया, ठीक है, और भाई आप ये देख सकते हो पूरा ये न्यू शीशा मेरा लग गया, एंड भाई अब मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था, सो गाइज मैं ये कह रहा था कि ना आपका भाई बाइक के उसके अंदर भी गया था, ठीक है, तो आपके भाई की बाइक का नंबर भी आया 8400, तो आज हमने सारे वो काम भी पेंडिंग वगैरह हमने सारे निपटा दिए, प्लस हम बाइक का शीशा वगैरह भी चेंज करा के आ गए, एंड दूसरी बात भाई पता नहीं यार कल क्या हो गया मूड खराब था भाई सुबह से लेकर अभी तक, 8000 रुपये का मैंने शीशा लगाया जबकि थोड़े डिस्काउंट वगैरह भी मेरे को मिल गया, चलो कोई नहीं यार अब जो होता है जो भी है जैसे अच्छा ही होता है। प्लस मेरे को ना यार ये लीड्स वगैरह लेने थे, मैंने वो भी ले लिया अपने फ़ोन पे उसके अंदर, प्लस आज इंस्टीट्यूट भी नहीं गया, अब कल मेरी फिर 4 घंटे की क्लास वगैरह होगी, एंड
बाइक का आपके भाई का नंबर है 8400 आया क्या है आपके भाई ने फैंसी नंबर वो परचेज किया, मैंने परचेज किया 9000 का नंबर। बाकी चलो कोई नहीं यार, गाड़ी जरा हम अंदर लगाते फिर आपसे रात को मिलूंगा गुरुद्वारे जाने पर। एंड भाई मैं ना आपको बताना भूल गया, शीशे के साथ ना आपके भाई ने वाइपर्स भी चेंज करा दिए थे, बिकॉज यार देखो नया शीशा लगवाओगे ठीक है तो न्यू वाइपर्स तो आप ऑलरेडी लगाओगे ठीक है। तो भाई आपके भाई ने सारा काम वगैरह करा दिया और भाई अब मैंने हमने कॉफ़ी वगैरह भी पी ली, प्लस ना हम वहाँ गए थे कर्नाटिक कैफे डोसा वगैरह खाने, बिकॉज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था विदाउट, मतलब मैंने ग्रीन टी वगैरह पी एंड देन मैं नीचे उतर आया। भाई क्या ही बोले यार, चलो कोई नहीं यार, जो तो अच्छे के लिए होता है, बाकी बाबा जी तो है ही है ठीक है। बाकी ये देख लो भाई, एंड मैंने इसका ना फास्ट टैग भी ऑर्डर कर दिया और जिसका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का टैग नहीं था मैंने वो भी ऑर्डर आउट करा दिया। अब बस सीधा चलते हैं ऊपर।